हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटिस्टा। हमने पहले किया था किंगडम मोनेरा, आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। तो प्रोटिस्टा होता क्या है? प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये सिंगल सेल ही होते हैं, जैसे कि मोनेरा होता था। बट मोनेरा हमारा क्या होता था? प्रोकैरियोट्स, और प्रोटिस्टा हमारा क्या है? यूकैरियोट्स। तो आज हमने पढ़ना है प्रोटिस्टा के बारे में। सो बेसिकली जो प्रोटिस्टा है उसको डिवाइड किया हुआ है हमने क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, और ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर क्राइसोफाइट्स की बात करें तो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये मरीन होते हैं, यानी पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा डाई एटम्स पाए जाते हैं और गोल्डन एल्गी। और आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के, यानी ओशंस में सबसे ज्यादा क्राइसोफाइट्स आपके डाई एटम्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कुछ के पास फ्लैजेला भी होता है जिनसे वो मूवमेंट कर सकते हैं प्रोटिस्टा। अगर सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है सिलिका की। सिलिका इज बेसिकली एन एलिमेंट जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी उसकी सेल वॉल टूट नहीं सकती है। अगर हम बात करें इसकी यूजेस की कि कहाँ कहाँ हम इस प्रोटिस्टा को यूज कर सकते हैं, पॉलिशिंग में, सिरप्स बनाने में, ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर, और जिस एरिया में ये पाई जाती है, यानी आपको पता है डाई एटम्स जैसे जिस ओशन में पाए जाते हैं उस अर्थ को क्या बोलते हैं? डाई एटमेशियस अर्थ। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये बहुत ही ज्यादा चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के। तो अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा क्या है? एक सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, यानी सेल इनके पास न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बट जो है ये है क्या? सिंगल सेल ही है। और इसके फर्दर टाइप्स, इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया ग्रुप्स में, क्राइसोफाइट्स हमने पढ़ लिया। और क्राइसोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, यानी अगर आपके एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है तो क्राइसोफाइट्स भी अल्टीमेटली होंगे ही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स की। जैसे कि इसका नाम है फ्लेजिलेट, इसलिए इट मीन्स इनको मूवमेंट के लिए फ्लेजिला चाहिए होगा। और इनके जो फ्लेजिला है, अब इस तरीके से लर्न कर लीजिए, डाइनो टू फ्लेजिला। तो दो फ्लेजिला कैसे होते हैं? एक तो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ऊपर की तरफ, और एक ऐसे ट्रांसवर्सली ऐसे बीच में, हॉरिजॉन्टली अगर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दो फ्लेजिला तो होंगे ही होंगे। अगर हम बात करें इसकी वजह से पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो पानी है वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, इसी वजह से इसे रेड टाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, मरीन जगहों में, मरीन पानी में पाई जाती है, यानी सॉल्टी वाटर में फोटोसिंथेटिक खुद फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। और इनके पास कलर जरूरी नहीं है कि रेड और रेड मेजॉरिटी में पाया जा सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। आपको पता है प्लांट्स की भी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लैजेला का मैंने आपको बता दिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर रेड टाइड्स पानी में है तो ये ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जो प्राणी हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? मर भी जाते हैं। तो टॉक्सिन ये मरीन एनिमल्स को मार सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं गोनियोलिक्स एंड जेलीडियम। अगर हम जेलीडियम की बात करें, जिम्नोडियम, गोनियोलिक्स एंड जिम्नोडियम, मैं जेलीडियम पे चली गई थी। जेलीडियम बेसिकली जेलीज बनाने के काम आती है, बेसिकली वो इसका पार्ट नहीं है, डायनोफ्लेजिलम का पार्ट नहीं है। सो गोनियोलिक्स और जिम्नोडियम किसके एग्जाम्पल्स है? डायनोफ्लेजिलेट्स के एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें यूक्लिनॉइड्स की तो आप सबने टेंथ में पढ़ा है यूक्लिना। ठीक है, नाइन्थ में भी आपने पढ़ा होगा यूक्लिना के बारे में, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टैग्नेंट वाटर में होता है, ठहरे हुए पानी में, जो फ्लो नहीं करता पानी, तालाब का पानी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रोटीन रिच लेयर होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वन डायनोफ्लेजिलेट्स में हमारी सेल्यूलोज की लेयर होती है, इसके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि उसे प्रोटेक्शन देती है, दैट इज ऑफ पेलिकल। पेलिकल इज अ केमिकल कंपाउंड। तो इनके पास भी फ्लैजेला होते हैं, दो फ्लैजेला हो सकते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ठीक है, एक लंबे एक छोटे, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। अगर ऑर्गेनिज्म कई केसेस में एक भी हो सकता है, और कई केसेस में दो भी हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अगर हम बात करें सनलाइट की तो ये विदाउट सनलाइट, वैसे अगर इनको सनलाइट मिलेगी, ठीक है, अगर इनको सनलाइट मिलेगी तो ये क्या करेंगे? ये
ऑटोट्रॉफ्स की तरह काम करेंगे, यानी अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय केमिकल कंपाउंड, बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बट अगर नहीं मिलती है तो ये हीटरोट्रॉफ्स बन जाएंगे, यानी दूसरों के ऊपर फीड करेंगे। एंड एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज यूग्लिना। आगे चले स्लाइम मोल्ड, जैसे लर्न कर लीजिए स्लाइम मोल्ड, एस फॉर स्लाइम, एस फॉर सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं डेट आर स्लाइम मोल्ड्स। बेसिकली इनकी जो वॉल्स होती है सेल वॉल, दैट इज ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोटेक्शन देती है इसे। एंड रेजिस्टेंट, एज आई टोल्ड यू कि ये जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा, इसको नाम दिया गया ट्रू वॉल्स का, तो बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक इसकी लेयर्स को आप नहीं तोड़ सकते। ये वाटर रेजिस्टेंट होती है, बाहर के एटमॉस्फेयर से इसको, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बात करें ना प्रोटिस्टा की, तो बेसिकली ये सिंगल सेल है, हम नहीं देख सकते इन्हें। तो कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइएगा, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें हम वैसे भी नहीं, आई से नहीं देख सकते। हमें इन सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, बिकॉज ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन से क्या होता है? एक बीमारी होती है ना, दैट इज कॉल्ड मलेरिया। क्यों होती है? क्योंकि मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है, दैट इज फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, उसके सलाइवा में एक प्रोटोजोन रहता है जिसका नाम है प्लास्मोडियम। उसकी वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। बेसिकली वो लिवर पे अटैक करता है। तो बात करें प्रोटोजोन्स की, तो हेटरोट्रॉफ दूसरों पे फीड करते हैं, डायरेक्टली हम पे भी कर सकते हैं, प्लांट्स पे भी कर सकते हैं, किसी पे भी प्रोटोजोन्स फीड कर सकते हैं, ये डिपेंड कर सकते हैं। पैरासाइट्स की बात करें तो दूसरे होस्ट चाहिए इन्हें कोई ना कोई अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। अगर बात करें इसकी टाइप्स की, तो अमीबॉइड, कुछ अमीबा की शेप जैसे होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। जैसे कि एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंडा अमीबा हिस्टोलाइटिका। आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये कहाँ पर रहता है, ये हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है, नहीं रहता नहीं है, अफेक्ट करता है। और हमें क्या होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं अगर हम गंदा पानी या गंदा फूड खाते हैं। तो बेसिकली हमें ये अमीबियासिस हो जाता है। अमीबियासिस इज अ डिजीज बेसिकली, किस वजह से होता है, किसी एंटामेबा से होता है। देखिए कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, या फिर इनके ऊपर सिलिका की लेयर। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिलिका किसमें यूज हो, किसमें है, ठीक है। स्यूडोपोडिया, अगर हम इसकी बात करें अमीबा की, तो ये कुछ इस तरीके की दिखते हैं। ये जो इसकी लेग्स दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, ठीक है। यानी इनकी लेग्स तो है बट फॉल्स लेग्स है, हमारी तरह नहीं है कि प्रॉपर फंक्शन कर सकते, इसलिए स्यूडोपोडिया बोला, ठीक है जी। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड, यानी जिनके ऊपर फ्लैजुला होंगे वो वाले प्रोटोजोन्स होंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। एज आई टोल्ड यू डिजीज कॉजेंगे। कौन सी डिजीज कॉज करेंगे? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेंगे, इससे बहुत तेज फीवर रहता है, ठीक है। कौन कॉज करता है? इसके लिए भी एक प्रोटोजोआ है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। सिलिएटेड की बात करें, बहुत सारे सीलिया होंगे, आप सबने पैरामीशन तो देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है और ऊपर ऐसे सीलियाज होते हैं, राइट। तो ये कहाँ पाया जाता है? एक्वाटिक है, पानी में, एज आई टोल्ड यू सारे वाटर के अंदर ही होते हैं, टेरेस्ट्रियल बहुत रेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। और बात करें पैरामीशन की, तो ये आपको पता ही है कि पैरामीशन की बॉडी के ऊपर न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं सीलिया। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स यानी ऐसे प्रोटोजोआ जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्पोर्स बेसिकली हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? फीमेल एनोफिलीस के सलाइवा में। और जब वो हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, सक करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, जैसे वो हमारी ह्यूमन बॉडी के ब्लड को सक करते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चला जाता है और स्पोरोजोइड्स बनते हैं, ठीक है। स्पोरोजोइड्स बनते हैं और वही स्पोरोजोइड हमारे ब्लड, रेड ब्लड को डीजनरेट कर जाते हैं। सो ये सारा था हमारा पूरा का पूरा प्रोटोजोआ। आपके एक तरीके के नोट्स भी प्रिपेयर हो सकते हैं इस वीडियो से। और आज मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगी कि आपको पता है एक ऐसी जगह है जिसका नाम है अलास्का। आई हैव रिटन हियर अलास्का, वैसे बहुत छोटा लिखा है, ALASKA। अलास्का एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 20 आवर्स तक सनलाइट रहती है। अब देखो 20 आवर्स तक सनलाइट रहेगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा,
फूड भी ज्यादा बनेगा. सो दैट्स व्हाई अलास्का एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी ज्यादा लाइट आती है तो फूड भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू एवरीवन.